चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना पर हमले के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है, राजौरी में आतंकियों की तलाश हो रही है। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ और आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 4 जवान जिनकी शहादत हो चुकी है। हम इस समय जम्मू के राजौरी और पुंछ के बॉर्डर डेरा की गली में खड़े हैं, जहां पर मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वाहन की दिखा रहा हूं जिसे गुरुवार को आतंकियों ने निशाना बनाया। बता दूं यहां पर लगातार बीते कुछ दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रही थी और इन सर्च ऑपरेशंस में भाग लेने के लिए जैसे ही गुरुवार को कुछ री इन्फोर्समेंट भेजी गई, कुछ अतिरिक्त टुकड़ियाँ भेजी गई जिनमें एक जिप्सी और ये वाहन शामिल था, और जैसे ही वो अतिरिक्त टुकड़ियाँ यहाँ पर सुरनकोट के इलाके में पहुंची तो यहां पर आतंकियों ने घात लगाकर इन वाहनों को निशाना बनाया, जिनमें से एक वाहन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। इन्हीं वाहनों में जो जवान सवार थे उन्हें निशाना बनाया गया, जिसमें से 3 जवानों ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि 3 अन्य जवान जो हैं वो इस समय जो हैं घायल हैं, जिनका इलाज यहाँ अस्पताल में चल रहा है। तो एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उस वाहन की देख रहे हैं। ये देखिए साक्ष किस तरह से वो गोलियां जो आतंकियों द्वारा दागी गई वो यहाँ सामने स्पष्ट आपको सामने शीशे पर दिखाई देंगी। यही वो वाहन है जिसे अब टो करके यहाँ लाया गया है, और फिलहाल इस घटना के बाद लगातार यहाँ पर जो है सेना की तरफ से ऑपरेशन तेज किए गए हैं और लगातार यहां पर जो है सेना उन छिपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशंस कर रही है। तो देखिए अब से थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट आप देख रहे थे, अजय मेरे सहयोगी वहां से ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन इस वक्त डेवलपमेंट वहां पर क्या है इस पूरे मामले पर ये बताने के लिए अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड से। अजय, क्योंकि 4 जवान हमारे शहीद हो गए, आज वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्या जानकारी अब तक मिली है पूरे हमले को लेकर और किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है मामले में? देखिए अगर जानकारी की बात करूं तो गुरुवार की बात है, यहां पर लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट्स मिल रहे थे कि ये जो घने जंगल का इलाका है, मैं कैमरामैन से कहूंगा पहले आपको जंगल दिखाएं, ये वो घने जंगल हैं जिनमें लगातार यहां पर आतंकियों के लिए पनाहगाह माना जाता है। इन्हीं जो जंगलों में जो है वो आतंकी छिपे थे और लगातार सुरक्षा बलों के निशाने पर भी ये आतंकी बीते एक साल भर में रहे हैं। तो इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों को या इनपुट्स मिले थे, हार्डकोर इनपुट्स मिले थे कि कुछ आतंकी यहाँ छिपे हैं जिन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। गुरुवार को जैसे ही इन्हीं ऑपरेशंस में हिस्सा लेने के लिए कुछ रीइन्फोर्समेंट ट्रूप्स भेजे गए तो आतंकियों ने घात लगाकर उन ट्रूप्स पर हमला किया और 2 वाहनों को निशाना बनाया, जिनमें से एक जिप्सी थी और दूसरा एक बड़ा वाहन था जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। तो लगातार इस घटना के बाद से जो है पूरे इलाके में, क्योंकि ये घने जंगल का इलाका है, टेरेन बहुत टफ है, जो यहाँ भूगोलिक स्थितियाँ हैं वो विपरीत है ऑपरेशंस के लिए, और आप देख सकते हैं किस तरह का ये घना जंगल है जहां पर ये ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं और लगातार पूरे इन जंगलों को जो है सुरक्षा बलों ने सील कर दिया है, इनको चारों तरफ से घेर लिया है और लगातार अब सुरक्षा बल इन जंगलों में जा रहे हैं। देखिए यहाँ कठिनाइयां बहुत सारी हैं, कठिनाइयां जंगल की हैं, कठिनाइयां इन जंगलों में बड़ी बड़ी जा रही हैं। ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है, आगे भी जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।